नमस्कार, स्वागत सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है यहां पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर हम रूपा जी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिटी बाजार में शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1768 पर कारोबार कर रहा है और बात करें सिल्वर की तो सिल्वर भी 23.3 पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले थोड़ी कीमतों में कुछ बढ़त देखने को ज़रूर मिली है गोल्ड सिल्वर की इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर, लेकिन कीमतें इतनी नहीं बढ़ पाई। हालांकि जो जानकार है उन्हें अभी भी यही लग रहा है कि सोने चांदी की कीमतें एकदम से उछलती हुई नज़र आ सकती हैं, लेकिन अभी हमने ये भी देखा है कि जो US ट्रेजरी यील्ड्स हैं उनके अंदर एक तेज़ी देखने को मिली है, खरीदारी निकल के सामने आई है अमेरिकी बॉन्ड के अंदर, और दूसरा जो शेयर मार्केट है, जो इक्विटी मार्केट है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में एक जो नरमी वाला रुझान है अभी वो जारी है। तो आज सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। इस वक्त हम बात करें अगर सोने चांदी की बात यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI इस वक्त 82.95% पर 1.5% की तेजी के साथ और ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 पर 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक लगातार तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। दरअसल कोयले की कमी होना वैश्विक स्तर पर और दूसरा नेचुरल गैस की भी कमी होना, इन दोनों की वजह से जो पावर संकट है वो गहराता जा रहा है, एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं ग्लोबली वैश्विक स्तर पर, जिसकी वजह से जो कच्चा तेल है कच्चे तेल की कीमतों में ज़ोरदार उछाल देखने को मिल रहा है, जो डिमांड है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यानी कि पहले जो नॉर्मल डिमांड थी उसके साथ साथ अब कच्चे तेल की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और दूसरा अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कच्चे तेल की जो डिमांड है आने वाले समय में वो थोड़ी कम ही देखने को, कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो हो सकता है कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में अभी वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएँ, और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त का जो इम्पैक्ट है, जो आउटपुट है, जो रिज़ल्ट है, वो हम बाद में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़त के रूप में लगातार देख ही रहे हैं। लगातार देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं भारत के अंदर 35 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से रोज़ाना बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर इस वक्त 1.25% की तेज़ी के साथ $4.07 पर और M6 जिंक 0.5% की तेज़ी के साथ 324 पर, M6 निकल 1.25% की तेज़ी के साथ 1569 पर और M6 लेड 1% की तेज़ी के साथ 192 पर। देख रहे हैं कि आज शेयर बाज़ार भी काफ़ी उछल, जो बेस मेटल का जो वायदा बाज़ार है काफ़ी ज़्यादा उछलता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा ये जो कॉपर है चाइना के अंदर कॉपर की जो इन्वेंट्रीज हैं, जो सप्लाई है, उनके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है, जिसका असर कॉपर की कीमतों में तेज़ी के रूप में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और उसका जो प्रभाव है अन्य बेस मेटल्स की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। तो आज सोना चांदी कच्चा तेल और बेस मेटल्स के बाज़ार कैसा देखने को मिल सकता है और क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सीवी पर। रूपा जी देख रहे हैं सोने चांदी की कीमतों में कुछ बढ़त है, लेकिन इक्विटी मार्केट और अमेरिकी बॉन्ड में भी तेजी बनती हुई नज़र आ रही है, जो कहीं ना कहीं सोने चांदी की कीमतों को ऊपर जाने से रोक रही है। आपको क्या लगता है सोने चांदी की कीमतों में ये जो नरमी वाला रुझान है कब तक जारी रह सकता है और कीमतें आगे क्या रह सकती हैं? देखिए नीलेश, जो सोने और चांदी के अंदर की अगर हम बात करें तो अभी भी बाजारों के अंदर पॉजिटिव ही ट्रेंड है। ये हम कह सकते हैं कि बाजारों के अंदर जो तेजी थी वो कहीं ना कहीं थमती हुई दिखाई दे रही है। अभी बाजार जो है एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निचले स्तरों से बार बार हमने खरीदारी आते हुए देखी है और अब भी हम देख रहे हैं कि सोना जो है वो $1700 के साठ के ऊपर आज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी इसमें ना बनाए, बल्कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोने और चांदी के अंदर खरीदारी में ही रहना चाहिए। जी रूपा जी, आपको क्या लगता है दिवाली आते आते सोने चांदी की कीमतों में हाजिर बाजारों में तेजी देखने को मिल पाएगी या फिर वहां भी नरमी छाई रहेगी?
देखिए हाजिर बाजारों में डिमांड जो है वो फेस्टिवल सीजन के चलते पिकअप हो सकती है और डोमेस्टिक मार्केट जो है वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल मार्केट्स की भी बात करें तो मुझे लगता है कि 1780 से लेकर 1800-1820 तक सोना जो है वो कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो यानी कि स्पॉट मार्केट के में भले ही नरमी देखने को मिले लेकिन सराफा बाजार में फेस्टिवल डिमांड के चलते कुछ उछाल देखने को मिल सकता है, कुछ बढ़त बनती हुई नजर आ सकती है। यहीं से रूपा जी बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 पर और WTI $82 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कच्चा तेल यहाँ से $90 भी दिखला पाएगा? देखिए अखिलेश, जिस तरीके की तेजी बनी है बिल्कुल कच्चे तेल के अंदर अभी रुझान पॉजिटिव ही है और जो डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसका असर हम बाजारों पर आते हुए भी देख रहे हैं। आप देखिए जो 6200 के ऊपर जो है कच्चा तेल डोमेस्टिक मार्केट में निकल चुका है, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 6200 से 6220 की रेंज देखने को मिल सकती है और फिलहाल वो रेंज आज हमने देखी मार्केट में और आज भी 2.25% की तेजी जो है कच्चा तेल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब मानकर चलिए कि यहाँ से भी बाजार जो है अपसाइड ही है और मुझे लगता है कि जो ये एक्सपायरी है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6200 के आसपास हो सकती है, अब ये मुझे लगता है कि 6350-6360 के आसपास जा सकती है। ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि अभी भी कच्चे तेल में तेजी है और ये तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $88 से लेकर $90 तक बिल्कुल WTI जा सकता है। जी, तो यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में जब बढ़त का जो दौर है अभी ये जारी रह सकता है, जिस हिसाब से कोयला संकट और ये जो नेचुरल गैस है इसकी कमी देखने को मिल रही है, तो क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी अभी जारी रह सकती है। रूपा जी बात करें बेस मेटल्स की, तो देखने की आज बेस मेटल्स बाजार काफी शानदार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। MCX पर सारी बेस मेटल्स की कीमतों में अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और कॉपर भी इंटरनेशनल मार्केट में $4.7 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से चाइना में कॉपर की कमी देखने को मिली है, सप्लाईज घटी हैं, तो अब कॉपर और अन्य बेस मेटल्स में कैसा रुझान रहेगा आने वाले दिनों में? अखिलेश देखिए, बेस मेटल्स में मैंने लगातार ही यही बोला है कि निचले स्तरों पर खरीदारी करके चलिए और बेस मेटल में पॉजिटिव है। आज आप देखिए सभी बेस मेटल में एक शानदार तेजी जो है आज खुलते ही बाजारों में देखने को मिली है। कॉपर अपने नए रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है, 800 के पार है और निकल ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है, 1507 के ऊपर पहुंच चुका है और वहीं जिंक में भी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और अब मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में अच्छे रिटर्न जो है वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी देखने को मिले हैं और आगे भी कंटिन्यूशन में तेजी बनी रह सकती है। फिलहाल के लिए बेस मेटल्स के अंदर भी बाइंग में ही रहना चाहिए। कॉपर यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार 820 का लेवल छू सकता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो 260 तक एल्यूमिनियम भी जा सकता है और जहां तक निकल की बात है, निकल नया रिकॉर्ड बना सकता है, 1600 तक ऊपर जा सकता है। तो काफी पॉजिटिव रैली बनती हुई दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है। जिंक में भी अच्छी तेजी आई है, अब जिंक देखिए जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है काफी पॉजिटिव मार्केट हो चुका है और जिंक जो 260-62 प्रति आज वो 300 के ऊपर निकल चुकी है, एक अच्छी रैली बाजारों में आई है और ये बेस मेटल्स में अभी और कंटिन्यूशन में तेजी बनी रह सकती है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी नॉन एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज और इस कारोबारी सप्ताह अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि आज अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो अभी फिलहाल बेस मेटल्स और कच्चा तेल ये दो ऐसे हैं जो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, इन दोनों में ही बाइंग किया जा सकता है। बेस मेटल में मुझे लगता है कि कॉपर 820 के स्तरों के लिए बाय किया जा सकता है और वहीं निकल की बात करें तो निकल भी 1600 के स्तरों के लिए बाइंग में रहा जा सकता है। जी, तो यानी कि बेस मेटल्स में कॉपर और निकल और दूसरा एनर्जी सेक्टर में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, रूपा जी के अनुसार इन दोनों नॉन एग्री कम्युनिटी में खरीदारी करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमा जा सकता है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।